4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं भाई, दिन कितने बचे हैं, और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे, इस बार उनका गठबंधन एक सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे, कांग्रेस राजा तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, किशनगंज वाली जो एक सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के खाते में आ रही है। बचा 6ठा और 7वां चरण 25 और 1 तारीख का जो है, उसमें हम लोग 400 पार कर लेंगे। नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने अब तक 200 रैलियां पूरी कर ली हैं, और इस खुशी में तेजस्वी ने चॉपर में केक काटा और मुकेश सहनी के साथ रैलियों की डबल सेंचुरी सेलिब्रेट की है। उस दौरान तेजस्वी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि मुकेश सहनी जी, आप सबको मिर्ची क्यों लगवाते हैं। इसी बात पर अब सियासी बयानबाजी तेज है, और इस बीच चिराग पासवान का पलटवार सामने आया है। चिराग पासवान ने कहा कि सब्र रखो, मात्र 10 दिनों की बात है, कौन किसको मिर्ची लगाता है, 4 तारीख को परिणाम सामने होगा। नादानी में लोग ऐसी हरकतें करते हैं भाई, दिन कितने बचे हैं, और ऐसे में थोड़ा सा सब्र। और कितना, आज 23 तारीख हो गई है, 23 तारीख आज हो चुकी है, 23 तारीख आज हो चुकी है, और महज 4 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि मिर्ची किसको लगी। इतना मैं बता दूं, और ये जानकारी आप सबके पास भी आ रही होगी, कि जो 5 चरण का मतदान हुआ है, इन 5 चरण के मतदान में 315 से 325 सीटों के आसपास एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है। बचा 6ठा और 7वां चरण 25 और 1 तारीख का जो है, उसमें हम लोग 400 पार कर लेंगे। और जो लोग इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो 2019 में खाता तक अपना नहीं खोल पाए थे, इस बार उनका गठबंधन एक सीट जो पिछली बार ये लोग निकाल लिए थे, कांग्रेस की राजा तो खाता भी नहीं खोल पाई थी, किशनगंज वाली जो एक सीट ये लोग निकाल लिए थे, इस बार वो सीट भी हम लोगों के खाते में आ रही है। 4 तारीख को 400 पार। तो भाई अपने में दिखा रहा है ना कि कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, और ये कोई एनडीए सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया फैसला नहीं है, ये माननीय न्यायालय के द्वारा लिया गया ये फैसला है। ये वो जवाब है इन इंडिया अलायंस के लोगों को, जो आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम करते हैं, और जो संविधान के खिलाफ जाकर फैसले लेने का काम करते हैं।